तो सर मैं ये कह रहा था कि जब ऐसी परिस्थिति थी कि कोई मतलब इतने लोग रास्ते पे थे और उनका रोजगार छिना गया था, उनकी कंपनियां बंद हो गई थी, उनको रहने का ठिकाना नहीं था, ऐसी स्थिति में आप उनके लिए एक मतलब देवदूत बन के आ गए, भगवान भगवान का आदमी करके आ गए, तो उनकी परिस्थिति के बारे में आप जब याद करते तो आपको क्या लगता है? सबसे मुश्किल और था बहुत हेल्पलेसनेस थी, लोग रोते थे, आधी आधी रात को फोन करते थे कि हम इतने इतने परिवार बाहर खड़े। मुझे याद है एक बारिशों के टाइम पे मैंने अपनी गाड़ियों में बिठा के उनको होटल्स में छोड़ा है, अपना मेरा होटल है जू के अंदर, वहाँ पे रात को ठहरे हैं। छोटे छोटे बच्चे, पाँच पाँच दिन के, चार चार दिन के, सात सात दिन के बच्चों को लेके माँ खड़ी होती थी और रोने लग जाती थी। सबसे बड़ा मुश्किल बात यह था कि मैं खुद उनको बाइक फेस नहीं जानता था, चेहरे से नहीं जानता था। अगर मैंने आज 3,000 लोगों की परमिशन ली है घर भेजने की, 6,000 लोग आते थे और बाकी के लोग छोटे डालते थे कि आप हमें भी भेज दीजिए घर। तो वो समय था, इतना मुश्किल था क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोटी नहीं खरीद सकते थे। ट्रेन में बैठते थे तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था। मुझे याद है रास्ते में एक जगह ट्रेन रुकती थी, अब रतना यहाँ कहाँ रुकती, तो हम लोग वहाँ पे उसको उसको खाना पहुँचाते थे, वहाँ पे लोकल अपने दोस्तों को बोलते उन ट्रेनों में। तो वो वैसा तो और कभी ना है, बस यही कहूँगा कुछ वो ऐसा था कि जब पूरे देश में तरंग राही थी मुझे जी। लेकिन खास करके मुंबई में, मतलब मुंबई को एक ऐसा बोलते हैं कि ये ड्रीम सिटी है जी। उसके लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं रोजगार के लिए जी। और उनको इस मजबूरी में वापस जाना पड़ा, तो दूसरा चारा था क्या उनके पास में कुछ, आपको क्या लगता है? कोई चारा नहीं था। आप सोचिए ना, जो इंसान भाड़ा नहीं दे सकता, जिसके पास रोजगार नहीं है, छोटे से कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, टर्न बाय टर्न रहते हैं वहाँ पे। एक छोटा सा कमरा आपको मालूम है, वहाँ पे चार लोग दिन में सोने का टाइम होता है, चार लोग रात को जो वॉचमैन होते हैं वो होते हैं, रात को दो आते हैं, फिर दूसरी टर्न होती है। अब सोचिए सब सभी बंद हो जाएगा तो घर के अंदर एक छोटे 8x10 के कमरे में 10 आदमी कहाँ से रहेंगे? बाहर खाने को कुछ नहीं है, घर में कुछ बना नहीं सकते, तो उनके पास कोई चारा नहीं था बाहर निकलने। तो ऐसे समय उनके आपने व्यवस्था की, वैसे गवर्नमेंट ने भी व्यवस्था की, ट्रेन से लोग कहीं गए, हजारों लोग गए और उनका एक उनके स्टेट में उनके घर को पहुँचाना उस समय जरूरी था, ऐसा लगता है आपको? बहुत जरूरी था, अगर नहीं पहुंचाते तो कई लोग, मुझे नहीं लगता ये बच भी पाते। और हमने देखा भी है कि दिल्ली के अंदर लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ दिन के पास कुछ खाने को नहीं था, रहने को नहीं था, रह रहे थे पार्टनर में। तो आई थिंक मेरा मानना है कि उस समय तो सबको घर पहुँचना था कि अपने घरों में रह सके, पहुँच सकते हैं ठीक ठाक, यू नो, वहाँ पे अपने परिवार से जुड़ पाए। और उनके पास में मतलब सर किराए को भी पैसे नहीं थे, किसी के पास किराए को पैसे नहीं। हाँ, हमें याद है कि हमने मतलब कितने लोगों को पैसे थोड़े दे के भेजे, रास्ते में खाने के लिए भेजे, आज भी घर पे आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि उस समय का क्राइसिस इतना बड़ा था, आज की तारीख में भी लोग उससे निकल नहीं पाए। लेकिन ऐसा आपको लगता नहीं है कि जैसे महाराष्ट्र में इतना कोरोना फैला हुआ था और ऐसे समय में हजारों की तादाद में मजदूरों ने अपने अपने राज्य में जाना, बोले तो वो साथ में कोरोना भी लेके जा रहे थे? देखिए कोरोना तो हर जगह ही था, महाराष्ट्र का कोरोना यूपी के कोरोना से अलग नहीं था। हाँ, तो अगर हम बोले कि आज आप आपका जन्म स्थान है या यूपी है या बिहार है, कोई भी है, आप अपने घर में जाना चाहते हैं क्योंकि बाहर तकलीफ आ गई, तो आपको घर से जाने किसी को रोकने का हक नहीं, तरीके से भेजा जा सकता, तरीके से ढूंढा जा सकता। अगर हम बोले कि बंदा को कोरोना फैलाने जा रहा था, नहीं वो तो उतने लोग तो वैसे ही मर जाते जो कोरोना से, उतने लोग नहीं मरने थे जितने लोग भूखमारी से मर गए, जितने लोग सड़कों में मर गए, 373 लोग सड़कों में मरे थे। एक एक आदमी का डाटा था मेरे पास, एक एक आदमी का नाम, नंबर, कहाँ हुए, कौन से रेलवे फाटक, रेलवे पटरी पर मरे, कौन से सड़कों में मरे, कहाँ क्या लोग मरे। सर राजनीति के बारे में मैं पूछ रहा था जब भी आपको जी, तो ऐसा आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि आपने खुद नहीं लड़ना चाहिए? देखिए मुझे बड़े ऑफर्स हुए, मुझे मुख्यमंत्री का भी ऑफर हुआ। अच्छा, बोल रहे कि आप चले बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो मुख्यमंत्री आ जाइए। हाँ, इम्पोर्टेंट पोलियस ले ली। हाँ, मैं उनको कर रहा था तो सब मुझे लोग बोल रहे थे मेरी इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोगों को पता था कि मुझे बड़े पद में ऑफर हो रही है। हाँ, बोला कि बहुत रेयर होता है किसी को इतना बड़ा पद मिले और आपने काम ऐसा किया है, इसलिए लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि आपको हाँ ये इस तरह आपको आना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अंदर से कोई वो आवाज़ नहीं आई कहीं से, पूरा उसके लिए तैयार बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद मेंटली कोई ज़्यादा तैयार हूँ ये सब करने के लिए, और थोड़ा वक्त है, और इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो समाज सेवा वही जारी रहेगी और आने वाले समय के बाद मतलब ये दिस इज नॉट द एंड, हो सकता है कि आप राजनीति में आए आगे। देखिए दिस इज जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से। अच्छा, कब क्या कहाँ लिखा हुआ है किसी को कुछ नहीं पता, बस काम करते जाओ। मैं वही मानता हूँ कि लोगों की सेवा करते जाओ, रास्ता भगवान खुद लोग दिखाते हैं,
सर मैं आपका भाषण सुन रहा था, इट वॉज अ पॉलिटिकल स्पीच, मतलब यू आर नॉट आस्किंग टू वोट फॉर कांग्रेस और यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग अकाली दल और एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो आप विकास या लोगों की समस्या हल करने वाला कैंडिडेट चुनिए, ऐसा आप ऐलान कर रहे थे। ये जो ये पॉजिटिव कैंपेन है, हाउ इट वर्क्स, मतलब आपको रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है। दूसरी मैं पार्टी जो आपको लोग बताता हूँ, वो लोग आगे की ओर बोलते हैं कि हम लोग इस पार्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन आज की डेट में जब आप इस तरह बोलते कि हम लोग की इच्छा है कि हम उस पार्टी से निकल के आपको वोट दें, बेशुमार लोग, बच्चे, माँ बाप, उन्होंने बोला कि पहली बार हमें कोई, जितने लोग पार्टी वाले आए उन्होंने दूसरों के बारे में गलत ही बोला है, बुरा ही बोला है, और किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि हम क्या पॉजिटिवली करने चाहते हैं। तो आई थिंक वो पहले आप कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये बात बोली कि भैया वोट आप किसी को भी दे लेकिन काम हमसे मांगो, ये ऐसा कभी नहीं हुआ और आई थिंक मुझे लगता ही नहीं कभी इतिहास में किसी ने ऐसा बोला होगा। मैं तो यही कहूँगा कि विकास तो तब होगा जब आप पार्टी वाली से निकल के लोगों की मदद करने के लिए बाहर आएंगे। लेकिन लोगों की वो सोच है क्या सर? नहीं होगी तो बदलेगी, और नहीं भी बदलेगी तो हमें बदलाना पड़ेगा। अब हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य, हमारा तरीका जो है बात करने का या जो भी हम है, मैंने कोई स्क्रिप्ट आज तक रेडी नहीं की, कोई स्पीचेस रेडी नहीं की, जो फीलिंग्स होती हैं वही बाहर निकलती हैं। अच्छा। और लोग आज की डेट में हैं जो लोग बात करते हैं आखिर क्या हाँ सोनू के पास जाएंगे तो तकलीफें दूर होंगी, और उनकी उम्मीद पर खड़ा होना मेरा मुझे लगता है कर्तव्य है, मेरा धर्म है। थोड़ा लोगों में एक वो चर्चा है कि भाई सोनू सूद मुंबई में है, वो अपने को क्या मतलब? मैं अभी भी बॉम्बे में जाता हूँ काम करता हूँ, मैक्सिमम टाइम मोगा में रहता हूँ, महीने आता हूँ, और फिर भी इलेक्शन में मैं नहीं खड़ा, मेरी बहन खड़ी है, यहीं की पैदा हुई, यहाँ ही बड़ी हुई, यहीं पे उसकी शादी हुई, यहाँ पे भी उन्होंने भी एक सोशल वर्क बड़ा खड़ा किया, कुछ फाउंडेशन बहुत बड़ा करती हो आप, अब से नहीं बहुत टाइम से कर रही है, जब तो हमने सोचा भी नहीं था, तो लोग गांव वाले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, सब लोग जानते हैं कि मालविका सूद एक सोशल वर्क की फील्ड के अंदर बहुत बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र मुंबई सह देशातील अनेक शहर राज्यांमध्ये कोरोना काळात प्रचंड सेवा कार्य ज्यांनी उभं केलं ते अभिनेते सोनू सूद यांची बहीण मालविका सूद या ठिकाणी काँग्रेसची उमेदवार आहे आणि प्रचाराचा झंझावात त्यांचा मी या सभेमध्ये बघतोय। सोनू सूद प्रत्येक ठिकाणी भाषण देतात परंतु ते भाषण अपॉलिटिकल असतं, बिगर राजकीय असतं, ते सेवेसाठी आम्हाला मत द्या असं आवाहन करतात, ते लोकांना अपील होतं। त्यांचं म्हणणं असं की राजकीय पक्षांच्या वर उठून, राजकीय विचारांच्या वर उठून समाजातल्या सामान्य माणसाचं दुःख आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि ते दूर केलं पाहिजे, याच्यासाठी माझी बहीण निवडणुकीमध्ये उभी आहे आणि त्यासाठीच आम्ही तुम्हाला मतं मागतोय की या मतदारसंघामध्ये आम्हाला मोठ्या प्रमाणात सेवा कार्य उभं करायचं आहे। सूद फॅमिली ही मूळ मोघाचीच आहे आणि मालविका ज्या आहेत त्या राजकारणामध्ये नवीन असल्या तरी परंतु त्यांचं अतिशय चांगलं काम या ठिकाणी आहे, त्यांचं एक फाउंडेशन आहे आणि त्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्या सतत सामाजिक काम करत असतात। जे काम सोनू सूद यांनी संपूर्ण देशामध्ये केलं तर तसंच काम त्यांची बहीण मालविका या मतदारसंघामध्ये करत आलेली आहे। कोरोना काळामध्ये त्यांनी अनेकांना रोजगार देण्याचं काम केलं, त्याच्यानंतर रोजगार देण्याचं काम केलं, त्यानंतर त्यांनी त्यांच्याकरता ऑनलाईन क्लासेस मुलांकरता मोफत चालवले, अनेकांच्या अन्नदानाची व्यवस्था केली आणि घराघरात जाऊन त्यांनी कोरोना काळामध्ये स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता, कोरोनाची भीती न बाळगता त्यांनी लोकांना एक विश्वास दिला, तो जो विश्वास आहे तो मतांमध्ये परावर्तित होईल असा विश्वास त्यांना वाटतो आहे। मोगामध्ये एक इंटरेस्टिंग फाईट इथे या ठिकाणी बघायला मिळते आहे। मालविका यांच्याशी आम्ही बोललो तेव्हा त्या म्हणाल्या की सेवा विरुद्ध राजकारण अशी ही लढत आहे, नक्कीच सेवा जिंकेल, राजकारण हरेल असा त्यांचा विश्वास आहे। मी आता ज्या ठिकाणी उभा आहे तिथे ही आपण एक गर्दी आपण बघू शकता की या सभेसाठी जमलेले हे लोक आहेत, एका छोट्याशा वस्तीमध्ये ही सभा होते आहे आणि सोनू सूद या ठिकाणी बोलतायत आणि जे काम मी पूर्ण देशामध्ये उभं केलं ते काम मी माझ्या मतदारसंघात माझ्या बहिणीच्यासाठी उभं करेल असा विश्वास ते लोकांना देतात आणि त्याला मोठा प्रतिसाद देखील या ठिकाणी मिळतो आहे। तो आता या मतदारांना तो जो काही आवाहन ते करतायत